हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं बात करने वाला हूं सीजी लेक्चरर एग्ज़ाम 2019 के बारे में, जो कि संडे 14 जुलाई 2019 में हुआ है। एग्ज़ाम देने के बाद सभी स्टूडेंट के मन में डाउट होगा कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम पिछले बार की जैसे लेवल ही दिया हुआ था, मतलब कुछ टफ था। इसमें से अगर देखा जाए सिर्फ 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, तो 40 से 45 क्वेश्चन ही हाईएस्ट जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। कट ऑफ कितना डाउन होगा वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। अब जितना पोस्ट है उस हिसाब से ये कट ऑफ नीचे जा सकता है, लेकिन जो हाईएस्ट है वो 40 से 45 क्वेश्चन तक ही रहने वाला है सिर्फ केमिस्ट्री में। अदर 50 क्वेश्चन जो है पेडागोगी का, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको आंसर की बता रहा हूँ, मतलब इसका मॉडल आंसर क्या हो सकता है। अब इसमें व्यापम क्या आंसर लेता है और क्या क्या करेक्शन करता है, इसके बारे में तो कोई फिक्स नहीं रहता है, लेकिन जो इसका पॉसिबल करेक्ट आंसर है मैं वो यहाँ पर देने को कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है मेरे सभी एक आध क्वेश्चन गलत हो सकता है, लेकिन जहाँ तक है ये मैं पूरा अपने पॉइंट ऑफ मेमोरी से और बुक से करेक्ट करके ही आंसर दे रहा हूँ। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन पेपर क्या था और उसका आंसर क्या है, फटाफट देखते हुए चलते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन देख रहे हैं 1 मोल N2H4 10 मोल इलेक्ट्रॉन, ये वाला क्वेश्चन। इसके लिए जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर है B, ठीक। इसका जो फुल डिस्क्रिप्टिव सॉल्व पेपर होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा, जिसके लिए मेरे को हो सकता है परसों या उसके बाद एक दो दिन के बाद ही ये अपलोड होगा। अभी मेरा जो शेड्यूल है थोड़ा सा बिजी ही चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसमें टाइम निकाल कर मॉडल आंसर या इसका आंसर की आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ। सॉल्ट पेपर भी जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर होगा बी, ये साइड में +3 के साइड में जो राइट लगा हुआ है वही इसके लिए सही आंसर होता जाएगा, ऐसे ही लगाया हूँ मैं यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, दर नियतांक का ताप यहाँ पर आधारण आर्यन या समीकरण द्वारा व्यक्त किया गया है, और इसके लिए बोलता है किसी परिस्थिति में दर नियतांक का मान निम्नतम होगा। आपको रेट कांस्टेंट का वैल्यू लोवेस्ट लेना है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही आंसर होगा। दूसरा अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें बोला गया है 2A+B+C और शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें बोला गया है अभिक्रिया की दर ए की किसी भी सांद्रता पर समान हो, ये इसके लिए सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, कॉपर FCC जालक के अंतर्गत क्रिस्टलीकृत होता है जिसका एकक सेल किनारा, ये इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये वाला ऑप्शन सही है। एक मिनट, इसका जो सही आंसर होगा, अभी जब मैं बताया ये क्वेश्चन, तो इसके लिए सही ऑप्शन कौन सा होने वाला है, ये ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है यदि HCl के जली विलयन का मोल फ्रैक्शन है, ये प्रमाण लिखा हुआ है, मोल प्रमाण तथा घनत्व ज्ञात हो, तो क्या क्या सांद्रता को आप ज्ञात कर सकते हो। तो आप इसमें तीनों ही जो मोलरता प्रतिशत है सबको इसके थ्रू ज्ञात कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, बंद पात्र में PCl5 का विघटन के लिए विघटन की मात्रा अल्फा कुल दाब पर निर्भर करेगा, तो ये इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक। दूसरा देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है 0.5 मोल बेरियम क्लोराइड 0.2 मोल सोडियम फॉस्फेट से अभिक्रिया करेगा, तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसके लिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें दिया है निम्न में कौन एक विषमांग उत्प्रेरण का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी होगा संपर्क विधि में SO3 का निर्माण। कैसे होता है मैं डिस्क्रिप्टिव में बात करते हुए जाऊंगा सबको। निम्न तीन विलयन पर विचार करना है आपको, ये विलयन दिया हुआ है, इसके लिए सही क्रम होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही क्रम होगा, ABC। एक सबसे ज़्यादा सोडियम, ए का सबसे ज़्यादा pH होगा क्योंकि ये क्षार होगा, फिर उसमें थोड़ा सा अम्ल मिला है, और लास्ट में सी, ठीक। डिस्क्रिप्टिव अगले वीडियो में। फिर निम्न कथनों पर विचार करना है आपको, और ये ऑप्शन, ये कथन दिया हुआ है, उसके बाद ये ऑप्शन दिया गया है, इसके लिए ऑप्शन नंबर बी ABC सही है, डी इसमें गलत है। अगला देखते हैं, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक गैस का मूल माध्य वर्ग, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है, इसके लिए होगा ऑप्शन नंबर सी 11 का, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें एक बफर विलयन में 0.1 मोल सोडियम एसीटेट लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए या तो ऑप्शन नंबर टू। इसमें मैं कन्फ्यूज हूँ थोड़ा सा, लेकिन डिस्क्रिप्टिव जब बताऊँगा तो इसको क्लियर कर दूंगा कि इसका आंसर क्या होगा। जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि इसके आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए ही होने वाला है। अगला क्वेश्चन दिया है N2O5 और इस प्रकार से, तो इसके लिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
निम्न के मध्य कौन एक सुमेलित नहीं है, ये बोला गया है। इसके लिए सही है सी और डी, सी और सी सही, सी और डी सही, सुमेलित नहीं दिया है यहाँ पर, करेक्ट मैच नहीं कराया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, दाब के विस्तृत परास में तापक्रम जिसमें वास्तविक गैस के लिए नियमों का पालन करता है, इसको बोला जाता है बॉयल टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन, निम्न कथन के मध्य कौन सा कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी आई माइनस आयन प्रबल अवकारक होता है, ये गलत है, ये प्रबल अक्षीकारक होता है। अगर सिर्फ आई होता तो प्रबल अवकारक होता, लेकिन यहाँ पर आई माइनस दिया है तो ये प्रबल अक्षीकारक भी हो जाता है, ठीक। तो याद रखिएगा, इस प्रकार से थोड़ा सा कन्फ्यूज करता है। अगला जो क्वेश्चन है, यदि स्थिति और संवेग ज्ञात करने की अनिश्चितता समान है, दोनों अगर सेम दिया गया है तो वेग में अनिश्चितता कितनी होगी, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 1/2m अंडर रूट एच बाई 2π। अगला जो क्वेश्चन दिया है, कौन हाइड्रोजन गैस अधिकता में अधिशोषित कर सकता है, ये बोला गया है विच कैन एब्जॉर्ब लार्जर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, लार्जर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कौन एब्जॉर्ब करता है, तो पैलेडियम का जो कोलाइडल सोल्यूशन होता है ये सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। एक अति अल्प विलेय लवण की विलेयता एस है और विशिष्ट चालकता एवं शून्य सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता के मध्य संबंध क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी एस इज इक्वल टू 1000 स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइड बाई मोलर कंडक्टिविटी, ये वाला आता है। अगला जो क्वेश्चन है, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्व के लिए किस विद्युत अपघटक का प्रोपुलेशन वैल्यू मान सर्वाधिक होगा, तो NaCl के लिए सबसे ज़्यादा होता है। अगला जो क्वेश्चन दिया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के एक्स मोलर विलयन में विलेय का मूल प्रमाण कुछ दिया हुआ वैल्यू दिया हुआ है, तो इसके लिए एक्स का मान क्या होगा, तो 2 आता है। कैसे आएगा देखेंगे। जब एक लेड संचायक बैटरी का डिस्चार्ज होता है तब क्या होता है, तो यहाँ पर H2SO4 का ही उपयोग होता है, उसका यूजेस होते जाता है और डिस्चार्ज होते जाता है, इसी के थ्रू अपने को करंट मिलता है। किस तापक्रम पर शुद्ध जल की मोलरता और मोललता के तुल्य होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यहीं पर जल का जो डेंसिटी होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड इसका आंसर होगा, जिसको केल्विन स्केल पर आपको दिया गया 277 केल्विन। अगला क्वेश्चन दिया है, किस परिस्थिति में किस अभिक्रिया के लिए मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन अपेक्षा के तापक्रम से स्वतंत्र होगा, तो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन अपेक्षा के तापक्रम से स्वतंत्र होगा, तो तापक्रम पर स्वतंत्र, ताप पर डिपेंड नहीं करेगा, तो ऐसा एक ही रिएक्शन हो सकता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होना चाहिए, तभी वो तापक्रम से इंडिपेंडेंट होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, जब जिंक धातु को मैग्नीशियम नाइट्रेट एवं सिल्वर नाइट्रेट के गली विलयन में मिलाते हैं तो क्या होगा, इसमें जिंक का ऑक्सीकरण हो जाएगा और सी सिल्वर प्लस का अवकरण होगा, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी केवल ए और सी सही होने वाला है। फिर अगला जो क्वेश्चन दिया है, एंटी फ्लोराइड संरचना में धन आयन उपस्थित रहता है, ऑप्शन नंबर सी चतुष्फलकीय रिक्ति में जो ऋण आयन होता है FCC स्ट्रक्चर में होता है, और जो धन आयन होता है सभी चतुष्फलकीय रिक्ति में पाया जाता है। स्थिर आयतन पर ठोस बेंजोइक अम्ल की दहन ऊष्मा ये दिया हुआ है, इसके लिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आणविक मात्रा ज्ञात करने में हमेशा कपूर का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, इसलिए आणविक द्रव्यमान कोई भी अगर सॉल्यूट का लेते हैं तो उससे कम ही होता है और आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसके लिए क्या होने वाला है, बी होने वाला है। एक मोल H2O2 का O2 में ऑक्सीकरण के लिए कितना कूलाम विद्युत की आवश्यकता होगी, तो एक फैराड विद्युत की आवश्यकता होती है, एक फैराड के लिए आपका वैल्यू होता है 96,500, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। वंडरवाल अधिशोषण के लिए निम्न कथन पर विचार करना है, वंडरवाल अधिशोषण मतलब फिजिकल एडजॉर्प्शन को ही बोलते हैं, भौतिक अधिशोषण को ही बोला जाता है, तो इसके लिए सही आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, सी और डी गलत कथन है। इतना फिजिकल था, फिजिकल पोर्शन में अगर 30 क्वेश्चन में देखा जाए तो लगभग 18 से 20 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, जिसको आप आसानी से हैंडल कर सकते थे। ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं दिया है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया भी है तो थोड़ा सा इजी दिया है, पिछले बार की तरह ज़्यादा हार्ड नहीं किया है, तो मेरे को नहीं लगता है कि अब 30 में से 20 क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसको ईजिली हैंडल किया जा सकता है, उतना ज़्यादा हार्ड तो ये फिजिकल को नहीं किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑर्गेनिक सेक्शन में, तो इसमें एक रिएक्शन दिया गया है और इस रिएक्शन के थ्रू, ये रिएक्शन इसलिए स्पेसिफिक है क्योंकि इस रिएक्शन में बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है और बेंजाइन इंटरमीडिएट के थ्रू यहाँ पर मेटा पोजिशन पर आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है और मेटा प्रोडक्ट बनाएगा मेटा टालुइडिन।
कैसे बनेगा देखेंगे बाद में। निम्न में से कौन एंटीबायोटिक नहीं है, तो पेनिसिलिन भी एंटीबायोटिक है, क्लोरोफेनिकॉल, सल्फाग्वाडिनिन, सल्फाग्वाडिनिन सल्फोनामाइड के नाम से भी जानते हैं, ये सभी एंटीबायोटिक है क्योंकि ये बैक्टीरिया को किल करता है। तो ऑप्शन नंबर आएगा इसमें डी, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन I2OH के साथ अभिक्रिया कर आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, तो बेंजाइल एल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देने वाला। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है विलियमसन सतत इथरीकरण क्वेश्चन, सॉरी विलियमसन इथर संश्लेषण से क्वेश्चन दिया गया है और बोला गया है कि ये कंपाउंड निम्न में से किसके द्वारा ऐसा बनेगा, कौन सा कॉम्बिनेशन लेंगे तो ये बनने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी देखिए, इस प्रकार से अगर कॉम्बिनेशन रहेगा तो आपको ये जो प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बताया गया है, ऐसा कॉम्बिनेशन कैसा, ऐसा प्रोडक्ट किस कॉम्बिनेशन से मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा इसके लिए। अगला जो क्वेश्चन है, प्राथमिक नाइट्रो यौगिक नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करके नाइट्रोलिक एसिड बनाता है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व करते हैं, तो कौन सा कलर देता है, तो ये रेड कलर देता है, बहुत ही फेमस रिएक्शन है। जब प्रोपेनॉल को जिंक अमलगम और सांद्र HCl के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, क्लीमेंसन रिडक्शन के नाम से जानते हैं इस रिएक्शन को, और जितना कार्बन होता है उतना ही कार्बन का एल्केन प्राप्त होता है, तो प्रोपेनॉल 3 कार्बन का होता है, तो यहाँ पर 3 कार्बन का एल्केन मतलब प्रोपेन बनने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उबलते हुए टॉलुइन का क्लोरीनीकरण करेंगे, तत्पश्चात जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो यह बेंजोइक अम्ल बनता है। यहाँ पर विटामिन ई की कमी से स्टेरिलिटी होता है, बंध्यता का बंध्यता आ जाता है, कोई नर हो चाहे मादा हो, तो विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमी आती है। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक क्षारी है, श्योर तो नहीं हूँ लेकिन यहाँ पर ये बोला जा सकता है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस का स्ट्रक्चर नहीं है। अमोनिया का जो अमीन का जो लोन पेयर होता है फ्री होता है, जिसको इजिली डोनेट करता है, इसलिए ये ज़्यादा क्षारी होगा। कुल संरचनात्मक समावयविक संख्या 8 यहाँ पर होगा, इसमें से 4 प्राइमरी होता है, 3 सेकेंडरी होता है और 1 यहाँ पर तृतीयक अमीन होता है। टोटल 8 संरचनात्मक समावयवी बनने वाला है। अम्लीय जल अपघटन के पश्चात उत्पाद को कैसे विभेदित करोगे आप, तो इसमें देखिए आप क्या करोगे इसका, अगर चलिए देखते हैं इसको ल्यूकास रिएजेंट से आप इसको विभेदित कर सकते हो। विनाइल एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ब्यूट 1-in-3-ion, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है, 43 निम्न में से कौन सा यौगिक एक प्राकृतिक बायोपॉलीमर है, सबको पता होगा DNA है। निम्न में से कौन सा निद्राकारी औषधि है, सबको पता होगा पैराएल्डिहाइड है। क्यूमिन का एक रिएक्शन दिया गया है और बोलता है कि क्या बनेगा, तो इसमें बनेगा फिनाल और एसीटोन, ऑप्शन नंबर बी। एक कार्बनिक यौगिक में 4% सल्फर है, तो इसका न्यूनतम अणुभार क्या हो सकता है, तो 800 न्यूनतम अणुभार हो सकता है। ग्लूकोज के ओसाजन फॉर्मेशन में कार्बन परमाणु प्रयुक्त होते हैं, तो पहला और दूसरा कार्बन जो कि फंक्शनल ग्रुप होता है वहीं पर ये रिएक्ट करता है और 3 मोल से ओसाजन बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी, पहला और दूसरा कार्बन पर ये रिएक्ट करता है। निम्न में से कौन कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता है, प्राइमरी एमीन और दूसरा एनिलीन, यही कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता है, इसमें दिया है आपको एनिलीन, इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक पदार्थ है जो दिया गया है C5H10 फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है, फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है मतलब कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन में बात करेंगे तो कीटोन, फिनाइल हाइड्रोजन तो बनाएगा कीटोन बनाता है, हेलोपॉम अभिक्रिया देता है कीटोन देता है, और प्रबल अपचायक के द्वारा N-pentane में परिवर्तित हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखना है कीटोन के बारे में बात करना है आपको, और तो इसमें से देखते हैं आपको बोला गया है पेंटेन बनाना है, तो 5 कार्बन खोजना पड़ेगा आपको, तो 5 कार्बन आपको दिख रहा है नॉर्मल पेंटेन बनाना है आपको, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। प्रोटीन की पहचान के लिए निम्न में से कौन सा अभिकर्मक प्रयुक्त किया जा सकता है, जैंथोप्रोटिक टेस्ट जो कि कॉन्सेंट्रेट HNO3 के द्वारा किया जाता है, तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा ए। किसमें विंटर ग्रीन का तेल की गंध आता है, मैथिल सैलिसिलेट से विंटरग्रीन ऑयल बनाते हैं मैथिल सैलिसिलेट से। निम्न में से कौन सा प्रबलतम न्यूक्लियोफाइल होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, अगर कोई प्लस आई ग्रुप होता है तो वो न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा देता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। निम्न में से कौन सा स्पीसीज सर्वाधिक स्थायी है, जो एरोमेटिक है वही सर्वाधिक स्थायी है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपको एरोमेटिक दिख रहा होगा, बाकी कोई एरोमेटिक नहीं है। सैलिसिलिक अम्ल को फिनाल से निम्न अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, सैलिसिलिक अम्ल रिमर टीमर अभिक्रिया से बनता है, और एक और यहाँ पर सैलिसिलडिहाइड भी बनाया जाता है, तो ये रिमर टीमर अभिक्रिया ऑप्शन नंबर बी।
55 का क्वेश्चन अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ। 56 का नंबर देखते हैं, बेंजीन के सल्फोनीकरण में सक्रिय स्पीसीज होता है, तो ऑप्शन नंबर सी SO3। प्रोपीन तथा प्रोपाइन में विभेद कर सकते हो, ये पिछले बार भी पूछा गया क्वेश्चन है, पिछले बार का लेक्चरर एग्जाम में, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। भोपाल गैस ट्रेजेडी कांड में कौन सा जहरीली गैस यूज हुआ था, मतलब वहाँ पर कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, मेथाइल आइसोसाइनेट, साइनेट होता है NCO, ठीक याद रखिएगा, साइनाइट नहीं होता है, साइनेट होता है ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण के द्वारा बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर हम एलिफैटिक प्राइमरी एमीन को गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण के थ्रू बनाते हैं। फिनाल का अगर PCl5 से अभिक्रिया कराते हैं तो ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, यहाँ पर मिलता है C6H5O का थ्राइस और PO बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में क्लियरली दिख रहा है। निम्न में से कौन सा यौगिक प्रतिमोल हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा न्यूनतम होती है, जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है उसकी हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा कम होती है, तो स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो सबसे ज़्यादा अनुनाद आपको ए में मिलेगा, तो इसकी हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा सबसे कम होगी, ऑप्शन नंबर ए। दिए गए अभिक्रिया में उत्पाद क्या मिलने वाला है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर उत्पाद में मिलेगा। निम्न का अम्लीय गुण घटते क्रम में क्या होने वाला है, यहाँ पर दिया है पैरा नाइट्रो, आर्थो नाइट्रो, मेटा नाइट्रो, फिनाल और फिनाल करके दिया हुआ है, और आपको यहाँ पर अरेंज करके ऑर्डर करना है, जैसा दिया है वैसा ही इसका ऑर्डर है, पैरा सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद आर्थो, फिर उसके बाद मेटा, फिर उसके बाद फिनॉल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन में दिया है अभिक्रिया में, ये अभिक्रिया दिया हुआ है और बोलता है इसमें कौन सा उत्पाद बनने वाला है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी उत्पाद में मिलेगा आपको। डेक्रॉन की एक उदाहरण है, कौन सा बॉन्ड पाया जाता है इसमें, तो पॉलिएस्टर बॉन्ड पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से अगर देखते हैं, अगर कार्बनिक रसायन में देखते हैं तो जो 35 क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें से आप 20 से 23 क्वेश्चन इजीली हैंडल कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने लायक है या थोड़ा सा बोला जा सकता है हार्ड है, जो थोड़ा सा दिमाग को हिला देता है, तो यहाँ पर आप 23 क्वेश्चन इजीली हैंडल कर सकते हैं। अगला जो पोर्शन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसमें देखते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पहला क्वेश्चन दिया है संरचना पर आधारित, इसमें बोला गया है कि संरचना क्या होगा, तो इसका संरचना होगा रेखीय होगा, पहला का Cl F2- का रेखीय और Cl F2+ का होता है बेंड, ऑप्शन नंबर ए। सोडियम या पोटेशियम के साथ लिथियम नहीं पाया जाता है, क्यों नहीं पाया जाता है, तो लिथियम की क्रियाशीलता बहुत ही कम होती है इसलिए उसके साथ नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन, जीनान के फ्लोराइड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, सभी कथन सत्य है, SB5 के साथ XeF2 लुईस क्षार के भांति वर्क करता है, जबकि RbF के साथ XeF6 लुईस अम्ल की भांति कार्य करता है, तो इसमें सभी कथन सत्य है। शुद्ध कॉपर धातु प्राप्त करते हैं तो विद्युत अपघटन के द्वारा शोधन करते हुए आप लास्ट में फफोलादार तांबा प्राप्त करते हो, तो ये सबको पता होगा विद्युतीय अपचयन के द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता है, कैथोड पर मिलता है। CH2O का रंग होता है नारंगी कलर, ऑरेंज कलर का होता है ये, जनरली ये येलो ऑरेंज होता है, यहाँ पर येलो ऑरेंज तो नहीं दिया है लेकिन ऑरेंज दिया हुआ है, नारंगी कलर ही होगा, इस पर थोड़ा सा टाइम की कमी की वजह से जल्दी जल्दी में बनाया नहीं, इसमें श्योर नहीं हूँ मैं, इसको बाद में जब फुल डिस्कशन देखूंगा तो इस पर बात करूंगा 71 पर। अगला क्वेश्चन, किस तत्व का आयनन विभव सर्वाधिक होता है, तो हीलियम का, पूरे पीरियोडिक टेबल में हीलियम का ही आयनन ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। फुल्स गोल्ड आयरन पायराइट को बोला जाता है Fe2 को, मूर्ख स्वर्ण करके बोला जाता है हिंदी में, N3H और NH3 हाइड्रोजोइक एसिड है पहला वाला, और NH3 अमोनिया जो कि बेस है, ठीक। इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अवस्था पूछा गया है और हाइड्रोजन का प्रकृति पूछा गया, ऑप्शन नंबर ए। दोनों में ही हाइड्रोजन का जो ऑक्सीकरण होगा वो +1 होता है, फर्स्ट वाला एसिड है और दूसरा वाला बेस है, तो ये पहला अम्लीय और दूसरा क्षारीय, इस प्रकार से आएगा। तापीय स्थायित्व किस अणु का सर्वाधिक होता है, NH3 का होता है, क्योंकि यह हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है और जल्दी से बॉयल नहीं होता, इसलिए इसकी तापीय स्थायित्व के बारे में बात करें तो NH3 का सबसे ज़्यादा होगा। निम्न में से कौन H2O2 द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होता है, तो O3 अपचयित हो जाता है, ऑक्सीकृत नहीं होता, केवल गलित पोटेशियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से पोटेशियम प्राप्त नहीं किया जा सकता। लगता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग होगा क्योंकि केवल गलित बोला है, यहाँ पर हो सकता है जली होना चाहिए था, इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया हूँ। निम्न में से कौन सा तीव्र अम्ल है, पूरे अगर ब्रह्मांड में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है HClO4, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। किन किन कक्षकों के हाइब्रिडाइजेशन से वर्ग समतलीय जटिल यौगिक बनता है, आपको पता है DSP2 से स्क्वायर प्लैनर स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, जिसमें एक एस कक्षक होता है, दो पी कक्षक और एक डी कक्षक होता है X²-Y²।
ठीक, तो इसमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको जो कि ऑप्शन नंबर बी, तो आप इसको क्लियरली लगा सकते थे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन दिया है, कौन सी समावयवता, ये जो यौगिक है कौन सा समावयवता दिखाएगा, तो ये प्रकाशिकीय समावयवता दिखाता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाया जाता, ओनली सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। मैलाकाइट किसका खनिज है, सबको पता होगा कॉपर का होता है। ट्रिस एथिलीन डाइअमिन कोबाल्ट थ्री सल्फेट का सूत्र क्या होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ध्यान से देखिएगा समझ में आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, जल योजित आयन के आकार का क्रम क्या होने वाला है, ठीक। ये आंसर गलत लग गया, आंसर नंबर इसमें डी होगा, क्योंकि जितना आकार छोटा होता है उतना ही ज़्यादा जल योजित होता है, ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा, 83 का गलत मार्क है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला जो क्वेश्चन है, कार्बन के किस रूप का द्विआयामी पत्रक के समान संरचना है, कार्बन के किस रूप का द्विआयामी, मतलब आपको बोल रहा है टू डायमेंशनल सीट लाइक स्ट्रक्चर, सीट लाइक स्ट्रक्चर जो कि होता है ग्रेफाइट में, हीरा में बात करते हैं तो टेट्राहेड्रल होता है, और ग्रेफाइट जो कि स्क्वायर प्लेनर होता है, सॉरी ट्राइगोनल प्लेनर होता है, जो दो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर जुड़कर हेक्सागोनल बनाता है जो कि सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी। अगला बोलता है कि इसका IUPAC नाम क्या होगा, तो ये होता है पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकिलेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। इसमें क्रोमियम का उपसह संयोजन संख्या क्या होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर A6। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कोबाल्ट का प्रभावी परमाणु क्रमांक संख्या क्या होगा, EN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होने वाला है, 36 होगा, 87 का, 87 ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है, 88, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड सफेद ठोस होता है, N2O5 लास्ट ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक क्षारीय होता है, तो ऑप्शन नंबर सी Ti2O3। बाकी सब क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, सी नंबर ही ट्रांजिशन एलिमेंट है, डी ब्लॉक का है, ऑप्शन नंबर सी। किस लैंथेनाइट का विन्यास, ये इस प्रकार से दिया है, गैडोलिनियम का होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाता है, CFC करके दिया हुआ है, CH4 दिया है, CO2 दिया है, N2O। अगर आपको इंग्लिश में देखते हैं तो इंग्लिश में क्लियर होता है ये क्वेश्चन, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू इन्हांस ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन देता है, ऑप्शन नंबर डी N2O। वायु प्रदूषकों के वर्षा जल में मिलने के कारण से एसिडिक रैन, एसिड रेन जिसको बोलते हैं आप, इसको उच्च अम्लीयता के नाम से भी बोल सकते हो, यहाँ पर मिलने से क्या होगा, एसिड रेन होता है जो अम्लीयता बढ़ाता है, उच्च अम्लीयता, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है, तृतीय समूह के तत्वों के हैलाइड लुईस अम्ल होते हैं, निम्न में से किस हैलाइड के लेने की क्षमता क्या होगा, तो हैलाइड बनाने की जो क्षमता होती है, ग्रुप में हम अप टू डाउन जाते हैं तो घटती है, मतलब बोरान की सबसे ज़्यादा होगी और फिर ये घटते हुए जाएगा ग्रुप में। अगला जो क्वेश्चन है, लेंथेनम 3+ का आपको आयनिक रेडियस दिया हुआ है, और ल्यूटेशियम 3+ का आयनिक रेडियस किसके समीप होगा बोल रहा है, तो आपको पता होगा यहाँ पर लेंथेनेट कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसके कारण से यहाँ पर रेडियस बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो कि होगा 0.85 एंगस्ट्रॉम। क्रायोलाइट की उपस्थिति में एल्यूमिना का विद्युत अपघटन कराने से ग्रेफाइट जो कि एनोड की तरह वर्क करता है, कौन सा गैस निकलेगा, तो O2 गैस निकलता है यहाँ पर, ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन नंबर बी। पानी के किस पदार्थ से दूषित होने पर ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो ये तो होता है नाइट्रेट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के विद्युत ऋणात्मकता की गणना दिए गए मान की सहायता से आपको करना पड़ेगा, बहुत लेंदी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, लगभग 5 से 10 मिनट से कम लेगा नहीं आपको, कितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी 97 का सी। अगला जो क्वेश्चन है 98, यहाँ पर बोला गया है एक रिएक्शन चैन दिया हुआ है A से B, B से C, बोलता है बी पीला विलयन है और सी नारंगी विलयन है, अगर आप चेक करेंगे नारंगी विलयन तो क्रोमेट का होता है N2Cr2O7, इसको देख के ही ऑप्शन टिक लगाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी। 99 की बोला गया है किस में SS बॉन्ड नहीं पाया जाता, अब लास्ट में देखिए ओलियम दिया हुआ है, H2S2O7 ओलियम होता है जिसमें SS बॉन्ड नहीं पाया जाता, बीच में दोनों एस के बीच में ऑक्सीजन आ जाता है, आप अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे करके देखते हैं तो क्लियरली समझ में आ जाता है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। यदि MX3 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है तो M के द्वारा उपयोग किए गए सिग्मा बंधनकारी कक्षक कितने होंगे,
एम एक्स थ्री, जिसमें सीधा सीधा आप देख के बता सकते हो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें, क्योंकि यहाँ पर द्विध्रुवागुण शून्य है, रेगुलर स्ट्रक्चर में डाइपोल मोमेंट शून्य होता है, जीरो होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस प्रकार से देखते हैं टोटल, यहाँ पर भी आप 23 क्वेश्चन इजिली हैंडल कर सकते हैं इनऑर्गेनिक पोर्शन में। तो ये लगभग लगभग कहीं ना कहीं 50 से 55, ज़्यादा तो नहीं जाना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन हार्ड है, तो ये लगभग लगभग 55 के अराउंड ही क्वेश्चन यहाँ पर केमिस्ट्री का क्वेश्चन 55 के अराउंड ही रहने वाला है। डिस्क्रिप्टिव सॉल्ट पेपर के लिए कुछ दिन बाद मैं इसको अपलोड कर दूंगा, आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।